प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए एक नया वीडियो लाता रहूँगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाला हूँ जो एक लाइट का बारे में है, जो मुझे फ्लिपकार्ट से आज ही मिला है और मैं उस लाइट को आप में से कोई एक सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ। तो कुछ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना पड़ेगा जिसमें आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक और नीचे एक रैंडम कमेंट देना पड़ेगा, जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा उसको मैं ये लाइट दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, हमारे पास हमारा बॉक्स है जो फ्लिपकार्ट से एक लाइट आया है हमारे पास, तो देख लेते हैं फ्लिपकार्ट ने हमारे लिए क्या भेजा है। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स हमने ओपन कर लिया। ये खुल गया है बॉक्स हमारा, कुछ ऐसे कुछ निकला है, इमरजेंसी लाइट है। पैकिंग बहुत ही अच्छी की है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने पैकिंग बहुत अच्छी की है। चलिए ये और एक बॉक्स निकला है उसके ऊपर से, ठीक है तो इसे भी खोलते हैं। चलिए ये रैपर ये काट लिया हमने, ये कैसे उस रैपर को भी ऐसे ही काट लेते हैं। इस रैपर को भी हमने काट लिया, तो इसके अंदर से निकला है इस तरह की कुछ चीज़, इस तरह की कुछ चीज़ जो आप देख ही सकते होंगे, इस तरह की एक चीज़ यहाँ से निकला है। तो इस सब चीज़ को साइड करते हैं, ये सब साइड करके रखते हैं और इसमें फोकस करते हैं। चलिए इसे ही खोलते हैं। तो ये सब सेलोटेप हमने खोल दिया और इसके ऊपर है एक रैपर, इस रैपर को भी खोल लिया। दोस्तों इस चैनल का मैंने पहला अनबॉक्सिंग वीडियो है, सॉरी अनबॉक्सिंग वीडियो है, कुछ गलत हुआ तो सॉरी दोस्तों। ये बॉक्स मैं आप में से किसी सब्सक्राइबर को पहुंचाने वाला हूं। टैन 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 टैन, देखिए दोस्तों ये है लाइट और ये लाइट आप ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं अपनी तरीके से, ऐसे ही समझे। ये है इसका ऑन ऑफ बटन, ये है ऑन ऑफ बटन, देख सकते हैं आप, ये है ऑन ऑफ बटन, ये इसका लाइट, इसका लाइट, ठीक है, ठीक है ना, इसका ऑन ऑफ बटन, ये देखिए समझे। तो आप में से कुछ सब्सक्राइबर को मैं ये पहुंचाने वाला हूँ। चलिए इसे भी करते हैं साइड पे और वापस चलते हैं हमारे वीडियो पे।